एक आम इंसान जब घर से निकलता है तो वो सोच के निकलता है कि कम खर्चा करेगा, कम पैसे उड़ाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो 500 रुपए कब खर्च हो जाते हैं। यार लग जाती है। तो आज है 1st अप्रैल, दैट इज़ न्यू ईयर, और ये ब्लॉग कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक शॉर्ट पार्ट है जहाँ स्ट्रगलिंग ऑफ अ कॉमन मैन मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक छुट्टी मिलती है एक छोटे से एम्प्लॉय को सैटरडे और संडे, उसमें भी साला काम करने पड़ते हैं। तो अभी चल रहे हैं सामान लेने और घर का सामान लेने, अपना नहीं। तो अभी मेरे आसपास पीछे देख रहे हो ये सब्जी मार्केट है, मतलब आँखें ऐसे ना एकदम खुल सी जाती हैं सब्जी मार्केट देख के और फ्रूट्स वूट्स देख के आसपास अपने। तो अभी घर के लिए सामान लेना है, सब्जी भाजी लेनी है, तो कितनी फ्रेश फ्रेश भाजियाँ हैं वो देखेंगे, और किसी को भाव पता है सब्जियों का तो बताना, और कितने लोग सब्जी लेने जाते हो ये भी बताना। बदनाम किया हुआ है रैश ड्राइविंग के लिए, मुझे लगता है जितना शहर बड़ा होता जाता है ना वैसे ही इतनी रैश ड्राइविंग होना शुरू हो जाती है। हुआ तो आप बताना आप कौन से शहर से हो और आपके यहाँ भी रैश ड्राइविंग होती है कि नहीं भाई। तो वीडियो थोड़ा सा कम करते हैं और ध्यान देते हैं वरना मेरे उड़ने के चांसेस है। जगह जहाँ देखोगे ना गुजराती लिखी हुई है। बात यह है कि ज्वेलर्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल्स नहीं मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल्स की दुकान चाहिए अभी अपन को, इलेक्ट्रिसिटी का सामान चाहिए। तो चलो देखते हैं आगे, फिर बताते हैं। एक आम इंसान जब घर से निकलता है तो वो सोच के निकलता है कि कम खर्चा करेगा, कम पैसे उड़ाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो 500 रुपए कब खर्च हो जाते हैं। यार लग जाती है, इतना तो कमाते नहीं है जितना ये खर्चों में निकल जाता है। हाँ, स्ट्रगल ऑफ एवरी कॉमन मैन, हर आम इंसान की ये स्ट्रगल। मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स, कई यंग जनरेशन्स जो अपने घर से दूर किसी शहर में, किसी स्टेट में, अनजान स्टेट में हैं, और उनकी स्ट्रगल देखने वाली होती है, समझने वाली होती है। तो आप लोगों में से कितने लोग स्टूडेंट्स हो, कितने लोग एम्प्लॉय हो जो अपना शहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के एक अनजान शहर में, एक अनजान स्टेट में मेरी तरह रह रहे हो। तो अभी क्या है कि बचपन में ना मुझे शॉपिंग पसंद नहीं थी, ना बार्गेनिंग पसंद थी, और सारी लड़कियों को शॉपिंग और बार्गेनिंग दोनों पसंद है। तो आज ना कंगाल होके आए हैं, तो आज लग रहा है कि यार सीख लिया होता बार्गेनिंग और शॉपिंग करना तो शायद कुछ होता।